Hey guys, what's up? So, I'm here to a reason. इसका रीज़न है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ठीक है? और वो रीज़न है, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, लाइक मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, एटलीस्ट 1000 तो या 100 तो कर दे, कम से कम लाइव तो आ सकूँ, प्लीज़ कोई कर दे, कोई कर दे, कोई कर दे, कोई कर दे, क्योंकि ना मुझे लाइव आना है, मुझे बहुत दिल लगता है लाइव आने का, प्लीज़ कोई सब्सक्राइब करते हैं तो एक काम कर लें आप लोग, आप इस कमेंट्स में ना, इस वीडियो के कमेंट्स में कोई भी आप मेरे ज़िंदगी के क्वेश्चंस पूछ लें, कोई भी क्वेश्चंस पूछ लें ना, फिर आप साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ ना, उसमें सेव हुआ ना मेरा चैनल। तो अब जल्दी से क्वेश्चंस आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब अगली वीडियो में भी दे सकती हूँ। ओके, सो अभी के लिए, एक बंदे ने मेरे कमेंट में ना क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसका जवाब देती हूँ। उसका क्वेश्चन था कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई हॉरर सा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं अब आपको बताती हूँ। मेरे कज़न के साथ हुआ है, हम मैं भी उसके साथ थी, मतलब मेरे साथ भी तो हुआ है। तो एक दफ़ा ना हम लोग गाड़ी पे जा रहे थे, मैं अपने कज़न के पापा की गाड़ी पे जा रही थी। हमारी एक पार्टी थी ना हमारे फ्रेंड के घर ना, हम दोनों का, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे रात के, रात के 12 बज रहे थे ना, उसको ना हम वहाँ पे हम लोग स्लीप ओवर भी करने जाते हैं, पार्टी भी करते हैं, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे खंभे थे जिनकी लाइटें ख़राब थी, मगर एक खंभा था जिसकी लाइट बिल्कुल ख़राब नहीं थी, मगर उसका स्विच ऑन था। जैसे ही मेरे कज़न को ना वॉशरूम आ गया, तो उधर जंगलों के पास जाता है, वो गेट खोलने ही वाला होता है ना, फिर सामने से ना जो झाड़ियाँ होती हैं ना जंगलों की, वो हल्की सी हिलती हैं, उधर इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है, हम लोग डरते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, उसे होल्ड करनी पड़ी। तो हम लोग थोड़े से क्लोज आते हैं, वो एक खंभा था आगे था, वो जिसकी मैं पहले बात कर रही थी, वो बिल्कुल ख़राब नहीं था, वो ना उसका स्विच ऑन था, मगर हम जैसे ही सामने गए स्विच ऑन ऑफ होता रहा है, मेरे नोज़ कैसे लग रहा है, ऑन ऑफ होता रहा है। तो हम बहुत डर गए, हम लोग कंटिन्यू करने लगे आगे जाने के लिए। तो ऐसा ही हुआ था, तब तक हम लोग जब पहुंच गए ना, हमारे पीछे इतनी बड़ी सी ब्लैक सी फिगर जा रही थी, हमारे पीछे पड़ गई थी वो, हम लोग इतना डर गए थे। हम लोग इतनी तेज, हम लोग अपनी फुल स्पीड में ना गाड़ी चला रहे थे, मगर वो और तेज़ हो गई, जितनी तेज़ स्पीड में हम लोग गाड़ी चला रहे थे वो और तेज़ होती जा रही थी। हमने बहुत स्लो कर ली, रोक दी ना, वो फिगर फाइनली गायब हो गई। हमें फिर वापस मुड़ना पड़ा, ठीक है? तो हम गाड़ी के शीशे नहीं होते सामने वाले, हम लोग यहाँ इस तरीके के होते हैं, मैंने वहाँ पे देखा वो वाली ब्लैक फिगर अपना वो इतना बड़ा सा फाड़ रही थी, हम लोग इतना डर गए, हम लोग वहीं पर बेहोश हो गए, उठे तो सुबह हो गई थी। हमने कहा शुक्र है अब हम लोग आराम से घर जा सकते हैं, मगर हमने गाड़ी के पेट्रोल नहीं था, हमने ये देखा, तो शुक्र करें यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, हम लोग गाड़ी को मूव करवा सके थे। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ, हम वहाँ पे कर लीजिए। मेरी फ्रेंड ने जब ये हादसा सुना, उसने घर चेंज कर लिया, वो कहीं और रहती है, हमें उसका एड्रेस पता है, हम लोग वहाँ पे गए। ये हुआ था मेरे साथ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो ठीक है।